लेडीज एंड gentlemen, वेरी warm वेलकम to द 53rd module, मॉड्यूल is इज़ अबाउट नॉलेज एंड सोशल इंक्लूजन सोशल इंक्लूजन पर मैंने आपको बात की थी कि हमें बेसिकली बैलेंस एटीट्यूड की ज़रूरत होती है जिसके अंदर एक ख़ास सोशल सर्कल के अंदर आपको जो है वो बैलेंस और बैलेंस मोबिलिटी डिवेलप हो जाए अगर हम इसको देखते हैं कि नॉलेज और सोशल इंक्लूजन अगर इसको हम आपस में रिलेट करने की कोशिश करें तो ये क्या क्या इनोवेशन लेकर आता है या फॉर एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश कीजिए कि इस इंक्लूजन से फ़र्क क्या पड़ता है एक आइडिया है नॉलेज मैनेजमेंट का इसको आप जो है वो फिक्री तामीरी तजदीद भी कह सकते हैं ये मुश्किल हो गया लफ्ज़ तो अगर आप यूं समझ लीजिए कि इल्मी मईत कह सकते हैं और नॉर्मली ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की सबसे बड़ी टर्म जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट या नॉलेज इकॉनमी भी कहलाती है जिसको आप जो है वो तालीमी या इल्मी आ, कह सकते हैं इल्मी हैंशत इसलिए कहा जा सकता है कि मेरा पास जितना इल्म होगा जितना नॉलेज होगा सर्टन ऑपरेशंस का फंक्शंस का उतना ही ज्यादा मैं उसको मॉडरेटली इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ डेवलप कर सकता हूँ यह एक नोवल आइडिया किस तरीके से डेवलप होता है लेस अंडरस्टैंड द नॉलेज इज द मेन इंग्रेडिएंट इन इनोवेशन वन एन एंटरप्रेन्योरशिप इज द वेरिएशन ऑफ इनोवेशन अच्छा यहां पर अलग कर लें कि नॉलेज को इंग्रेडिएंट है वो पहला इनोवेशन का सो so इनोवेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए तो एक शेर के साथ समझते हैं कि अंदाजा बया नक्श बदल देता है अगर न दुनिया में कोई बात नई बात नहीं तो इसका कहने का मकसद ये है कि बाजुकात हम कहते हैं कि प्रीडोमिनेंटली सारी चीज़ें अलग से थी नहीं भाई इल्म है वहीं पे कायम था उसको जितना आपने एक्सप्लोर किया वो फ़र्क तब्दील हो गए आपने देखा होगा कि एक ज़माने के अंदर एलोपैथिक आना शुरू हो गई फिर मेडिसिनस की तरफ आना शुरू हो गए और अभी दौर वही है कि मैक्सिमम वही दार है वही चीज़ें हैं वही जो जुशांदा जिससे डेवलप होता है और उसी से वही जो है वो रॉ फॉर्म के अंदर आप उसको जुशांदे की सूरत में लेते हैं और वही जो मेडिकल डॉक्टर है वो आपको बता रहा होता है कि आप जुशांदा ज़रूर पीजिए उससे ज़्यादा असर आएंगे यानी पॉइंट ये हुआ कि वो आपकी जो फॉर्मल इंग्रेडिएंट्स थे उसको दोबारा से शक्ल बदल गई बदल दी गई फिर वो कैप्सूल्स में आ गए कैप्सूल को किसी और शक्ल में दे दिया गया फिर आप दोबारा से रॉ की तरफ आ गए अब आपने एक ज़माना देखा होगा कि पहले ज़माने में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिसज को ख़त्म कर दिया गया यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ख़त्म हो गई आपका शहद आपका मक्खी छोटी मक्खी का बड़ी मक्खी का आपके देसी अंडे बाकी चीज़ें ये सारी मार्केट से आपके ख़त्म हो गई वही फार्म और ब्रायलर मुर्गी आपके पास आम थी दोबारा से अब एक स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है आपने पैराडाइम शिफ्ट होते देखा होगा लोग ऑर्गेनिक अंडों की तरफ आ गए मुर्गियों की तरफ आ गए और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर है मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे तो इतने ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स पैदा हो गई और लोग जो हैं वो घरों के अंदर ये बिजनेस कर रहे हैं कि ताज़ा मक्खन निकालते हैं उसी दूध के अंदर से जो भलाई के साथ आपका मक्खन निकलता है ताज़ा लस्सी पीने की कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं कि वो भैंस और गाय भी घर में रख लें इसी तरीके से मुर्गियाँ देसी अंडे देसी मुर्गी और आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया आना शुरू हो गया कि वाइट मीट की तरफ जाना चाहिए और जो ताज़ा गोश्त वगैरह की तरफ जाना चाहिए कम खा लें लेकिन साफ़ सुथरा खाएँ ये एक नया आइडिया जिस तरह पहले आपने देखा होगा कमर्शलाइजेशन के अंदर जो है मार्जरीन और ब्लू मार्जरीन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई उसकी वजह से सेहत को जो असर आता है तो दुनिया फिर वापस वहीं से आगे यानी ऑर्गेनिक को ही तब्दील करते थे ऑर्गेनिक आपका क्या होता था रॉ मटेरियल उसी रॉ को तब्दील करके आप फिर दोबारा कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए यानी ब्रांड्स की तरफ आ गए अब दोबारा से दुनिया दोबारा पैराडाइम शिफ्ट की तरह जा रही है ये तो इनोवेशन हो गई जो मैंने एग्जाम्पल अब एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरिएशन ऑफ इनोवेशन एंड बोथ दीज आर इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉट नोवल कॉन्सेप्ट तो ये दोनों अलग से नहीं है यानी आप यूँ समझे कि इन दोनों को इंटर रिलेट करना पड़ेगा कई दफ़ा आपको एंटरप्रेन्योरियल आइडिया को पिकअप करना पड़ेगा और कई दफा आपको इनोवेशन को डेवलप करना पड़ेगा However, in the recent year, the rise awareness of the social challenges, better educated population and easier access to the knowledge and desire to make a difference have given a surge to the social entrepreneurship. The mission of the social entrepreneur is to address the social issue through entrepreneurial activities. So this is, gentlemen, how we understand that the social entrepreneur or social entrepreneurial activities lead us to the better conviction of the knowledge or better interpretation of the knowledge thank you very much